हाय, मैं हूँ शारदा। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा शिमला मिर्च। भरवा शिमला मिर्च बनाने के लिए देखिए हमने क्या सामान लिया। 300 ग्राम हमने आलू लिए हैं, जिनको हमने अच्छे से उबाल लिया है। 300 ग्राम हमने शिमला मिर्च ली है, जिसको हमने अच्छे से धो लिया है। कटा हुआ हरा धनिया लिया है 2 चम्मच। 1 चम्मच हमने हरी मिर्च ली है। 1/2 चम्मच हमने आमचूर पाउडर का लिया है। 1/2 चम्मच हमने नमक का लिया है। 1 चम्मच सूखा हुआ धनिया लिया है। 1/4 चम्मच हमने लाल मिर्च लिया है। 1/4 चम्मच हमने काली मिर्च ली है और 2 चम्मच हमने घी के लिए है। भरवा शिमला मिर्च बनाने के लिए सबसे पहले हम उबले हुए आलू को छील कर मथ लेते हैं। आलू को छील लेंगे, छील कर हम इसको एक बार मथ लेंगे। आलू को हमने अच्छे से छील लिया। अब सबसे पहले पैन को गर्म कर लेते हैं और आलू को फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले पैन में हम तेल डाल देते हैं। तेल डाल देंगे, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें मसाले मिला देंगे। सबसे पहले नमक डाल देंगे, आमचूर पाउडर डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, सूखा हुआ धनिया डाल देंगे, आलू मिला देंगे और आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च भी मिला देंगे। काली मिर्च भी मिला देंगे। हरा धनिया को भी मिला देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भरावन के लिए आलू हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। जो हमारे पास शिमला मिर्च है उसको ऊपर से काट कर हम स्टफिंग कर देते हैं। अब हम शिमला मिर्च को इस तरीके से भरना शुरू कर देंगे। चम्मच उठाएंगे और इसको इसके बीच में डालते जाएंगे। इसको हमने अच्छे से भरना है। इसी तरीके से हम सारे शिमला मिर्च में आलू को भरते जाएंगे और जो हमारे पास डंडल है उसी की मदद से हम इसको बिल्कुल अंदर कर देंगे और डंडल को दोबारा से ऊपर लगा देंगे। ये डंडल को हमने दोबारा से लगा दिया है। इसी तरीके से हम सारे शिमला मिर्च को भरते जाएंगे। इस तरीके से हमने सारे शिमला मिर्च को तैयार कर लिया है। कढ़ाई को हम गर्म कर लेते हैं और तेल डालकर अब हम भरी हुई शिमला मिर्च को उसमें फ्राई कर लेते हैं। तो तेल डाल देंगे, घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम एक एक शिमला मिर्च को डालते हुए अच्छे से सेंक लेंगे। ऐसे हर एक शिमला मिर्च को इसी तरीके से हम लगाते जाएंगे। अब शिमला मिर्च को हम 2 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं और उसके बाद हम इसको पलट देंगे। शिमला मिर्च को रखे 2 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। जिस साइड से हमारी शिमला मिर्च सिक चुकी है उसको हम पलट देंगे। जैसे ही दूसरी साइड से सिक जाएगी फिर पलट देंगे। अब हम इसको 2 मिनट के लिए फिर ढक देते हैं।
दोबारा से शिमला मिर्च को रखे हुए 2-3 मिनट और हो गए हैं, दोबारा से फिर उसको हम पलट देते हैं। एक बार फिर से ढक देंगे, 2-3 मिनट फिर से हो गए हैं, इसको फिर हम एक बार चेक कर लेते हैं। शिमला मिर्च हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और शिमला मिर्च को हम एक प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं। भरमा शिमला मिर्च हमारी बनकर तैयार हो गई है। भरमा शिमला मिर्च को दोपहर के खाने में और रात के खाने में नान के साथ, पराठा के साथ, चपाती के साथ कैसे भी खाइए, खाने में स्वाद है। भरमा शिमला मिर्च बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ।